कहाँ है हम लोग? मैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट किया था ना. सो टॉपिक वी वर डूइंग वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मैंने बताया था लास्ट टाइम फैराडे का एक एक्सपेरिमेंट, एक कॉइल लिया, उसको एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया. जैसे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर लेके आए, तो व्हाट ही ऑब्जर्व, देयर सम करंट इन द कॉइल. उस कॉइल से कुछ करंट फ्लो हुआ, राइट? हेलो, यस सर. आया ना समझ में? कि अगर हमने एक लूप लिया, ठीक, एक कॉइल लिया, और उस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया जो करंट सेंस करता है. अगर आप उससे करंट पास करोगे तो वो कुछ डिफ्लेक्शन दिखाता है. तो एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया एंड एक नॉर्थ पोल में उसके पास ले गया. आई टुक अ नॉर्थ पोल क्लोज टू द कॉइल, ऐसे कॉइल के पास ले गया. तो मैंने क्या नोटिस किया, फैराडे ने क्या नोटिस किया, करंट फ्लोज इन द कॉइल. अब वो सोच में पड़ गया, ये कॉइल में करंट फ्लो हुआ क्या? देयर इज नो सोर्स ऑफ करंट. कहीं सेल दिख रहा है आपको? डू यू सी अ सेल नियर बाय कहीं? नो सर. सेल लगाओ, दिख रहा है आपको? नहीं. सो विदाउट अ सेल यहाँ पे करंट फ्लो हुआ कैसे, क्वेश्चन था. विदाउट सेल करंट फ्लो हुआ कैसे, राइट? फिर उन्होंने क्या किया, चेंज करके देखा. क्या? नॉर्थ पोल को दूर करके देखा. पहले बार नॉर्थ पोल पास लेके आया था, इस बार नॉर्थ पोल को दूर लेके गए, फिर करंट फ्लो हुआ. और इस बार करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हुआ. अगर एक बार करंट ऐसा फ्लो हो रहा था तो दूसरे बार करंट ऐसा फ्लो होगा. नॉर्थ पोल पास में ले जाने से अगर क्लॉकवाइज करंट आ रहा था तो नॉर्थ पोल दूर ले जाने से एंटी क्लॉकवाइज. एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो कुछ ऐसा करंट आ रहा था, राइट? फिर तो हम देखेंगे डिटेल में कब कैसा करंट आता. सो ऑब्जर्वेशन क्या था, इफ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू द सर्कुलर लूप और द कॉइल, सम करंट फ्लोज टू दैट कॉइल. क्यों फ्लो हो रहा, क्या फ्लो हो रहा, वो मालूम है, राइट? अगर वही मैग्नेट को आप दूर ले जाओगे तो अगेन करंट फ्लोज इन द कॉइल, बट दिस टाइम इट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट? एंड इफ द स्पीड ऑफ द मैग्नेट, इफ द स्पीड ऑफ द मोशन ऑफ द मैग्नेट इज इंक्रीज, अगर स्पीड बढ़ा देते हो आप, जोर से पास में लेके आओगे तो करंट बढ़ जाता है. So, let's write some observations. Pehla, when magnet is held stationary, that is at rest, stationary, no current flows through the loop. No current flows through the loop. If magnet is held stationary, अगर वो जो मैग्नेट आप देख रहे हो उसको स्टेशनरी रखा, अगर आप मूव नहीं करोगे, तो नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट. रिपीट, इफ द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी, नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट. सर मुझे एक बात नहीं समझ आई सर. सर ये सर नॉर्थ पोल को दूर ले गए तो सर उसमें उल्टा कैसे करंट फ्लो हुआ? बेटा वो तो अभी आपको कुछ भी नहीं मालूम, अभी तो यही नहीं मालूम करंट फ्लो ही क्यों. तो एक एक करके मैं सब बताऊंगा उल्टा क्यों होता है. इंडक्शन तो जानते हैं कि क्यों फ्लो होता, बस है फेनोमेना तो और कुछ नहीं है. हाँ, तो ऐसे एक लेंज लॉ करके एक चीज है. क्या लेंज लॉ? हाँ, वो एक्सप्लेन करूंगा मैं. वो जो बताता है आपको करंट किस लेंस फॉर्मूला सुना है, लेंज लॉ नहीं सुना? वो लेंस नहीं, लेंस लेंज लॉ है. लेंज लॉ चाइनीज में बनाया था सर, समझ गया. So, when North Pole is brought close to, when North Pole of magnet
is moved towards loop, current flows in the loop. Current flows in the loop in some direction. Whereas when North Pole is moved away from loop, again current flows, again current flows, then this time in opposite direction. So north pole pass लेके गया तो current flow होता है किसी direction में. अगर उल्टा north pole दूर लेके जाओगे तो exactly उल्टे direction में current flow. ठीक. So these are the observation. ठीक. अब south pole pass लेके गया तो भी current flow. नहीं. अब उसको क्या क्या polarity reverse करके south pole pass लेके गया. तो when south pole of magnet is moved towards coil, again current flows and direction is same as सर उल्टा नहीं हो जाएगा सर. साउथ पोल पास लाएंगे तो सर जो करंट इंड्यूस होगा वो गैल्वेनोमीटर मतलब उसके अपोजिट में होगा, जैसे पहले मैग्नेट को दूर लेके गए थे. नॉर्थ दूर लेके जाने और साउथ पास लेके आना सेम दिखा रहा था. ओके सर. व्हेन साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स कॉइल अगेन करंट फ्लोज एंड डायरेक्शन इज सेम एज व्हेन नॉर्थ पोल इज मूव्ड away from it. Yes, ठीक है. Not only current flows in the coil. Not only when magnet moves. Instead current flows even if coil is moved towards or away from the magnet. Magnet को move करना जरूरी नहीं है. आप coil को move कर लो तो भी current induced होगा. Instead current flows in the coil even if coil is moved towards or away from the magnet. Coil ko aap magnet se dur ya magnet ke paas laoge to bhi current flow hoga, और मैग्नेट को ले जाओगे तो भी करंट फ्लो होगा. तो ऑल टुगेदर व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन दे मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, व्हाट whenever there is a relative motion between coil and magnet, current flows in the loop. Current flows in the loop. So whenever there is a relative motion between coil and magnet, current flows in the loop. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay. अब एक और ऑब्जर्वेशन था. इफ स्पीड
with which magnet has moved towards the coil is increased. Current in the coil also increases. Means what? Current in the coil increases with increase in the speed of the magnet. If magnet is moved slowly towards the coil, EMF induced is less, but if magnet is moved at a high speed towards the coil, then current in the coil is moved. ठीक है, समझा? So these were some of the observations made by Faraday. Now, not only this, in second experiment, instead of a magnet and a loop, he took two loops. One had a cell and other did not have. He took two loops kept close to each other. This is another experiment. He did two experiments. अगर आप book read करोगे तो Faraday's two experiments के नाम से topic explain किया होता है. पहले उसमें क्या किया था, एक coil और एक magnet लिया था, ऐसा move करके देखा. Second time में उसने दो coil ली, दो loop लिए. So he took two loops and one of the loop had a cell and a key in it, switch in it, and other had just a galvanometer connected to it. ठीक है, तो देखते हैं क्या जादू हुआ इस बार उनसे. So in second experiment two, he took two coils. One had a switch and a cell in it, whereas other had a galvanometer connected in it. जब when no current flows from the loop A या loop B लेता हूँ, flows in B, there is no current in A too. When switch and B is closed, current starts increasing and B, some current also flows and A. After some time, current in B becomes constant and no current flows in A. So थोड़े देर के बाद आप नोटिस करोगे ना, सेकेंड कॉइल, सॉरी, पहले जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, स्विच ओपन था, किसका? सेकेंड कॉइल का. बी का स्विच ओपन था, तो जब बी का स्विच ओपन था तभी बी से कोई करंट नहीं था, ए से भी कोई करंट नहीं था, इसमें भी कोई करंट नहीं. ठीक है, सब कुछ लॉजिकल लग रहा है. द मोमेंट स्विच इन बी इज क्लोज, ये स्विच जैसे आप क्लोज करते हो उसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है, लॉजिकल है. जैसे करंट बढ़ता है इसमें, वैसे इसमें भी करंट आ जाता है, ये लॉजिकल नहीं. इसमें सेल था, इसमें सेल नहीं है, अचानक से उसमें कैसे करंट आ गया? सो बी मैग्नेट था ना वो, सर, मैग्नेटिक, सर,
मैग्नेटिक फील्ड आता है किसका, बी का, वो सही है। तो अभी हम उसको एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो जब भी आप बी का स्विच ऑन करते हो, क्लोज करते हो, तो ए से भी करंट फ्लो होता है। तो क्वेश्चन वही है कि ए में क्यों करंट फ्लो हुआ, और तो और थोड़ी देर के बाद बी का करंट कांस्टेंट हो गया और ए में करंट बंद हो गया। अच्छा, अब आपने स्विच ऑन कर दिया, ओपन कर दिया, कौन सा, ये वाला, मतलब इसका करंट गिरने लग गया, तो करंट खत्म हो गया, तो इसमें फिर से करंट, थोड़ी देर के बाद फिर से दोनों में जीरो हो जाता है। तो जब भी स्विच ओपन था, दोनों में से कोई करंट है। जब बी का स्विच क्लोज किया, तो इसमें बी में करंट बढ़ने लग गया, ए में भी आ गया करंट। थोड़ी देर के बाद ये कांस्टेंट हो गया, इसमें जीरो हो गया। इसको ऑफ किया, तो इसमें फिर से करंट आया, बट इस बार उल्टे डायरेक्शन में आया। थोड़ी देर के बाद इसमें तो जीरो हो ही गया, इसमें भी जीरो। आ रहा है समझ में क्या चल रहा है अंदर? ऑब्जर्वेशन समझ में आया? यस सर। ओके, सो ये थे ऑब्जर्वेशन। नो, इनसे फैराडे ने कंक्लूजन क्या निकाला? फैराडे ने सोचना स्टार्ट किया कि जब भी मैग्नेट रेस्ट पे है, मैग्नेट जब रेस्ट पे है तो कुछ नहीं होता। जब ये मैग्नेट हमने रेस्ट पे रखा था तब कुछ नहीं होता, जब मूव करते हैं तो करंट आता है, जोर से मूव करते हैं तो ज्यादा करंट आता है। जब कॉयल में कुछ नहीं हो रहा था, करंट नहीं हो रहा था बी में, तब ए में भी नहीं था, बट जब इसमें करंट चेंज करते हैं तो ए में भी करंट आता है। तो उसने सोचना स्टार्ट किया हो क्या रहा, तो उसने लॉजिक लगाया कुछ तो है जो चेंज हो रहा है, और वो चेंज होने की वजह से, कुछ तो है जो चेंज हो रहा है और वो चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ आ रहा है। तो उसको और तो दिमाग नहीं चला स्टार्टिंग में, उसको लगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको, मैग्नेट के पास में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, दूर जाओगे तो कम होगी। मैग्नेट के पास फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है। अगर एक कॉइल दूर रखा हुआ है तो इससे फील्ड जा रहा है, बट इससे फील्ड वीक है। अब अगर आप यहां रख दोगे तो इससे ज्यादा स्ट्रांग फील्ड पास होगा। इफ अ मैग्नेट इज केप्ट फार फ्रॉम अ कॉइल, देन फील्ड एट, फील्ड नियर द कॉइल इज लेस। If coil is brought closer to the magnet, then field associated with this coil is more. तो फैराडे को लगा शायद फील्ड कम ज्यादा करने से ये चीजें हो रही। तो फैराडे ने कंक्लूड किया कि whenever there is relative motion between coil and a magnet, or field near coil is varied by any means, current is induced in the coil. The current flows in the coil. Current flows in the coil as there is no cell in the coil. No cell due to which current flows in the coil. Current flows in coil. See, अभी conclusion क्या निकाला उसने? किसने? फैराडे ने। भाई आपने क्या देखा कि जब भी मैग्नेट को पास लाओ दूर ले जाओ, या तो कॉइल को पास ले जाओ दूर ले जाओ, अगर आप मैग्नेट को रेस्ट पे रखते हो तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब मूव करते हो तो उसमें करंट आता। जब ये कॉइल थी, ये ओपन था तो कुछ नहीं था, जैसे आपने इसको ऑन किया तो इसमें भी करंट आ गया, जैसे ऑफ किया तो इसमें भी करंट आ गया। मतलब कुछ चेंज करने से, फैराडे ने सोचा कि कुछ चेंज करने से देयर मस्ट बी
सम चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस करंट, कुछ तो चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ये करंट आ रहा है. तो उसने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो उसको ये लगा कि फील्ड कम ज्यादा करने से हो रहा है शायद. जैसे आप मैग्नेट से दूर रहोगे तो फील्ड वीक है, मैग्नेट के पास आओगे तो फील्ड ज्यादा हो जाएगा. तो जब मैग्नेट दूर था तो इससे फील्ड कम था, पास ले आया तो उसका फील्ड बढ़ गया. तो जैसे अभी ये कॉइल है, इसमें कुछ करंट नहीं है तो इसका कोई फील्ड नहीं है, इसमें कोई फील्ड नहीं. जैसे आप ऑन करोगे इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा तो इसका फील्ड निकलेगा और इससे लिंक हो जाएगा, इससे करंट, इससे फील्ड निकलेगा और वो इससे लिंक हो जाएगा, राइट. तो नोटिस किया कि भाई जब इसमें से फील्ड चेंज करा, मतलब फील्ड चेंज हो रहा है, तब शायद कुछ करंट फ्लो हो रहा. उन्होंने क्या नोटिस किया कि जब फील्ड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से करंट आ रहा है. तो वही कंक्लूजन है, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट और फील्ड नियर कॉइल इज वेरीड बाय एनी मींस, करंट फ्लोज इन द कॉइल एज देयर इज नो सेल ड्यू टू व्हिच करंट फ्लोज इन द कॉइल, इट वाज नेम्ड एज करंट इज कॉइल, करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट, करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड. सर लेकिन उस पे करंट क्यों पैदा हुआ सर, ये नहीं समझ आ रहा. मैं समझाऊंगा,